गोरखपुर पुलिस लाइन में लाइसेंस लेने वालों के लिए एयर गन शूटिंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जहां पर लाइसेंस लेने से पहले लाइसेंस धारियों को एयर गन चलाने की ट्रेनिंग पुलिस विभाग द्वारा दी जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों नए पुराने पुलिस के जवानों को एयर गन शूटिंग पुलिस लाइन के अंदर 10 मीटर एयर राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि शासनादेश है कि जिनका लाइसेंस का प्रोसेस हो जाना है उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए एयर गन शूटिंग पुलिस लाइन के अंदर खोली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, ये अभी कुछ दिन पहले चूंकि हमें शासन आदेश है इस तरह के कि जिनको लाइसेंस दिया जाना है, जिनको लाइसेंस का प्रोसेस में जाना है उनको कुछ तरह की ट्रेनिंग दी जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ हमारे पुलिसकर्मियों के लिए भी जो नए पुलिसकर्मी हैं पुराने हैं प्रैक्टिस करना चाहें तो एयर गन की एक शूटिंग रेंज पुलिस लाइन के अंदर खोली गई है। एयर पिस्टल और एयर गन 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर गन की एक शूटिंग रेंज इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज खोली गई है, जिसमें समय समय पर ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जाते हैं और उसमें एक फिक्स शेड्यूल रखा गया है और उसके आधार पर ही आगे प्रोसेस किए जाते हैं।